हरे कृष्ण हाँ देखो आप लोग महाराज का सारी कथा सुना दिया। मैं जो सोच रहा था महाराज जी सब सबके सब नाश कर लिए। ये स्थान का नाम है तो ये अभिरना ब्रज मानी जाती है, ये अभिरना वृंदावन मानी जाती है। इसलिए जैसे वृंदावन में जैसे श्री बरसाना नाम सुनेंगे नहीं बरसाना, इसलिए ये स्थान कोई मानी जाती है बरसाना। जैसे बरसाना क्या है कहते तो ब्रह्माचल पर्वत वहां पर है, ब्रह्माचल पर्वत वहां पर है। इसलिए वहां ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए। इसलिए ये जो स्थान है ये भी ब्रह्मा जी की तपस्या स्थल है। ब्रह्मा जी यहाँ पर उन्होंने कठोर तपस्या यहाँ पर की। इसलिए ये जो ठाकुर जी को दर्शन करोगे ये ठाकुर जी किसने स्थापन किया था, ब्रह्मा जी। ये सत्य युग में ये ठाकुर अभी का ठाकुर नहीं है, ये ठाकुर सत्य युग से ये ठाकुर जी ब्रह्मा जी इनको स्थापन किया था है। इसलिए लेकिन परवर्ती समय में इनका नाम कहते हैं अलारनाथ। क्या कहते हैं, कहते इनका नाम अलारनाथ क्यों नाम पड़ा, बोले असली रूप में अलारनाथ नहीं इनका नाम अल्बरनाथ। बोले अल्बर मतलब क्या होता है, बोले रामानुज संप्रदाय में जो बड़े बड़े संत होते हैं उनको भाषा में उनका अल्बर कहते हैं। इसलिए उनका नाथ ब्रह्मा जी को बाद में उन लोगों ने ये विग्रह को सेवा पूजा की, सेवा पूजा की इसलिए उनका नाम से इनका नाम पड़ गया अल्बरनाथ। लेकिन धीरे 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 अपभ्रंश होते 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 अभी इनको ठाकुर जी को क्या कहते हैं, आलार नाथ। ये धीरे धीरे अपभ्रंश हो गया है। इसलिए यहाँ पर जो मंदिर दर्शन किया है ये प्रभुपाद ने ये मंदिर स्थापन किया है। इसलिए आप लोग आते समय देखना कि कुंड देखे देखेगी नहीं कुंड, इसलिए प्रभुपाद कभी कुंड नहीं कभी राधा कुंड है, ये राधा कुंड है। क्योंकि अभिरना ये ब्रज भी मानी जाती है, यहाँ पर गोविंद गोपीनाथ बदन मन सारे ठाकुर, इसलिए प्रभुपाद ने इसलिए ये गौड़ीय मठ को यहाँ पर उन्होंने स्थापन किया। एक समय से प्रभुपाद जी अपना भक्तों को साथ में आ रहे थे। अभी भी आप देख रहे ना कितना सुंदर पेड़ पौधा लता पता, कितने सुंदर जंगल, अभी भी सुंदर परिवेश। उसी समय तो जंगली जंगल है, पेड़ पौधा लता पता में सुंदर सुंदर कोयले कूदती है, मयूर केगा कर रहे थे। जब प्रभुपाद अपना भक्तों के साथ में आ रहे थे, इधर से आते 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 हठात प्रभुपाद ने जंगल में प्रवेश कर दिया। भक्तों लोगों ने सोचा होगा प्रभुपाद शौच क्रिया करने के लिए, प्रभुपाद शौच क्रिया करने के लिए गए, लेकिन शौच क्रिया करने नहीं गए थे। इतने में प्रभुपाद ने हठात उन्होंने जो एक फल है ना कुंजा फल है वो कुंजा फल को उन्होंने दर्शन किया। वो दर्शन करते ही प्रभुपाद के मन में राधा रानी की चरण की उद्दीपना, राधा जी की चरण की जो रंग है वो उद्दीपना हुई। इसलिए प्रभुपाद ने अंदर में गए और राधा रानी ये वृंदावन धाम और राधा रानी के चरण को स्मरण करते हुए प्रभुपाद बेहोश हो। भक्त लोग आ गए इधर, बोले प्रभुपाद कहाँ गए, प्रभुपाद नहीं आए। जाकर के देखा प्रभुपाद जी बेहोश होकर पड़े हुए, क्योंकि वो राधा रानी के नयन मणि मंजरी और उनको मुंह से फेर झांक निकल रहा था, मुंह से झांक निकल रहा था। इसलिए फिर उन्होंने प्रभुपाद को होश करा के यहाँ पर उन्होंने यहीं पर लाए। अभी महाराज जी श्रवण कर रहे थे श्रीमन महाप्रभु जिस समय जगन्नाथ जी की अनवसर, अनवसर मतलब है जगन्नाथ जी रहते हैं कहां पर, द्वारका में। लेकिन कृष्ण चाहते हैं भैया मैं कभी कभी तो वृंदावन जाऊं, गोपियों से देखो राधा जी से तो मिलो, सखा सखियों से मिलो, ग्वाल वाल से तो मिलो कभी कभी। इसलिए कृष्ण रहते हैं कहां पर, द्वारका में, सोते हैं सत्यवाओं को सपास में, रुक्मिणी को पास में, लेकिन रोते हैं किसके लिए, वृंदावन वासी के लिए रोते हैं। और कभी कभी इतने रोते हैं रो रो करके अपना तकिया पीला कर देते हैं। रुक्मिणी को साड़ी पकड़ कर कहते हैं राधिके तुम कहाँ हो, हे ललिते तुम कहाँ हो, रोते रहते हैं जगन्नाथ जी है। अभी जगन्नाथ जी चाहते भैया साल में तो कम से कम एक बार जाओ वृंदावन वासी ब्रजवासी से दर्शन करो, लेकिन जगन्नाथ जी को पता कृष्ण को पता, जैसे एक पत्नी की
अगर एक पति का अगर दो पत्नी हो, अगर पति एक पत्नी को पास में रहे, अगर उसी पत्नी से बोले भैया दूसरी पत्नी से मैं थोड़ी सी मिलकर खाऊ, पत्नी क्या करेगी? रोटी फेंक कर खिलाएगी, मोट टेढ़ी करके बात करेगी, खाना तुम्हें खाना ही तुम्हें नहीं देगी, है तुमको चैन से जीने नहीं देगी। इसलिए जगन्नाथ जी सोचते हैं अगर लक्ष्मी को अगर मैं बोलता हूँ भैया एक दो दिन के लिए मैं ब्रज में जाता हूँ, फिर तो लक्ष्मी हमारा जीना हराम कर देगी, है जीना हमारी हराम कर देगी, खाना पीना ठीक से नहीं खिलाएगी, रूठ करके बैठी जाएगी। पहले सुन रहे थे ना, अगर पत्नी मानी नहीं हो जाए ना, देखना कृष्ण कहते गिरिराज उठाने में जितने ताकत नहीं लगता है, इनकी मान बनाने में उससे ज्यादा ताकत लगती है। इसलिए जगन्नाथ जी क्या करते हैं, वो बहाना बनाते हैं। क्या बहाना बनाते जगन्नाथ जी? इसलिए उनको स्नान कराया जाता, स्नान करने पर इतने स्नान इतने पानी में स्नान कराते जगन्नाथ जी बुखार पड़ जाते। बुखार नहीं, भगवान को थोड़ी बुखार होता है, बुखार बुखार कुछ नहीं, उन्होंने गुप्त रूप में रहते हैं लक्ष्मी को साथ में 15 दिन लग जाती है केवल लक्ष्मी को मनाने के लिए। सर पर हाथ घुमा करके एक बार आदेश दे दो तो चांदनी के लिए चला जाओ, घूम करके आ जाओ। जगन्नाथ जी 15 दिन तक लक्ष्मी को केवल मनाती रहती है, भैया मान कर तू जा, मैं 2 दिन के लिए चले जाता हूँ। फिर उन्होंने फिर कहीं से जगन्नाथ फिर और क्या बहाना बनाते, एक तो बनाते, दूसरा बहाना बुखार, बुखार की बहाना, और खाना नहीं खाते, दाल भात जो बनता है ना उसमें नहीं बनता है। जैसे बुखार होने पर हम फल फूल खाते हैं, जैसे हम दवा लेते हैं, जगन्नाथ जी से दवा लेते हैं। जब 15 दिन के बाद में जो बुखार से उठते हैं, जगन्नाथ जी बहाना बनाते, बोले देखो तुमने देखा है ना, मैंने 15 दिन तक बुखार में पड़ा हुआ था। बोले हाँ लक्ष्मी ने सचमुच से देखा है, 15 दिन तक बुखार में पड़ा हुआ था। बोले हमें 1-2 दिन आदेश दे दो, आज जा रहा हूँ, कल और परसों आ जाऊंगा, है ज्यादा दिन नहीं परसों। फिर जगन्नाथ जी जब बोलते हैं आदेश दो, लक्ष्मी कहती कोई बात नहीं ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी जल्दी आ जाओ, बोले जल्दी जल्दी आ जाओ। इसलिए जगन्नाथ जी बहाना बनाते। इसलिए जिस समय श्री जगन्नाथ जी ये अनवसर करते हैं, उसी समय महाप्रभु रोज रोज जगन्नाथ को दर्शन करते थे, दर्शन करते तो अभी जगन्नाथ का दर्शन नहीं होता 15 दिन के लिए। फिर जब महाप्रभु फिर उन्होंने क्या करते हैं, एकदम विरह में तड़फड़ाहट लग जाती है, है? अभी ठाकुर का दर्शन नहीं। और कल हम सुन रहे थे जगन्नाथ जी ऐसे क्यों कहते, उन्होंने केवल राधा जी की प्रेम दर्शन करते करते जिस समय कृष्ण ने राधा रानी के विरह का दर्शन किया, केवल राधा रानी के विरह का दर्शन करते 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 जगन्नाथ जी द्रवीभूत होकर के आग कान इतने बड़े बड़े हाथ अंदर में चला गया, प्यार अंदर में चला गया, केवल राधा जी के प्रेम में ही रूप है। और महाप्रभु क्यों आए, इसी चीज के लिए, केवल राधा जी की प्रेम की महिमा को जानने के लिए। इसलिए जब जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं मिलता है पर महाप्रभु यहीं आ जाते हैं और यहीं आकर ठाकुर को दर्शन करते हैं। कहते भैया यहाँ प्रश्न करते हैं, अरे महाप्रभु यहाँ क्यों आते हैं, यहाँ क्यों आते हैं? तो ये वर्णन किया है, जो अपना आलाकनाथ देखा है ना, इनका चार भुज देखो, इनकी चार नारायण स्वरूप देखो, उसमें सब बताया गया कौन सा हाथ में चक्र, कौन से गदा, कौन से पद्म, कौन से घने शंख होने पर कौन सा विग्रह को क्या बोला जाता है। लेकिन ये जो ठाकुर के शरीर में जो चिन्ह है ना, इनको जनार्दन कहते हैं, ये नारायण स्वरूप है, ये जनार्दन स्वरूप है, ये कृष्ण स्वरूप है। इसलिए कहते भैया अभी प्रश्न आता है महाप्रभु यहाँ पर क्यों आए, पर ये तो नारायण रूप है, और महाप्रभु का कौन सा भाव है, राधा भाव, बोले तब नवमी कृष्ण स्वरूप। महाप्रभु राधा जी के भाव अंग कांति लेकर के आए, जब लेकर के आए, हाँ लेकर के जब यहाँ पर आए, फिर तो ये चतुर्भुज रूप क्यों दर्शन करते हैं? कहते कारण कहते हैं वो देखने के लिए चतुर्भुज, लेकिन चतुर्भुज नहीं, ये कन्हैया, वही वही छलिया है, वही छलिया है। इसलिए उदाहरण देते हैं, जिस समय गोवर्धन में भगवान बासंती रास कर रहे थे, बासंती रास करते समय इतने में कृष्ण गोपियों के साथ में हंसी दिलाई करने के लिए कृष्ण रास से अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान हो करके कृष्ण आकर के गोपियों को चकाने के लिए कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, शंख चक्र का दामन धारण कर लिया, धारण करते हुए बैठी गई। इतने में जब गोपियां वहां पर आई, उन्हें नारायण स्वरूप का दर्शन किया, दर्शन करके बोले हमारे श्याम सुंदर को देखे हो, लेकिन नारायण कुछ बोले नहीं, हो तो चुपचाप बैठ गए, हाँ उन्होंने कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप बैठ रहे। फिर गोपियां चली गई,
लेकिन जब श्री राधा रानी आती है, केवल राधा रानी आती आते ही उनकी शरीर का जो सुगंध थी है, इसलिए राधा रानी को बताया दिव्य उन्मादिनी। पर दिव्य क्या मानस क्या गुण है, दिव्य माधव एक राधा रानी का माधव उन्माद उसमें बताया, मतलब जिनकी सुगंध से है, कहते राधा रानी की केवल सुगंध शरीर से इतने सुंदर सुगंध निकलती है, वो सुगंध पाते ही श्री श्याम सुंदर और चार हाथ को रख नहीं पाए और इतने में दो हाथ अपनी आप अंदर में प्रवेश कर गया, इसलिए उस स्थान को क्या कहते हैं बैठा, क्या कहते हैं बैठा नाम है। इसलिए उसी तरह यद्यपि ये देखने में चतुर्भुज लगते हैं, ये चतुर्भुज नहीं, ये श्री श्याम सुंदर गोपियों का छकाने के लिए चार सुंदर ने किया है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु यहाँ जब आते थे उनको नारायण भाव से नहीं, इनको कृष्ण रूप से दर्शन करते थे। कृष्ण रूप में दर्शन करते हुए महाप्रभु जो पत्थर वहां पर आप लोग जाओगे दर्शन करोगे, जिस पत्थर को ऊपर उन्होंने लेट रहे, लेट करके एक तो विरह में राधा रानी की विरह में हाँ, कृष्ण श्याम राधा रानी के विरह में कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं कभी प्रणाम करते हैं, करते 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 उनकी प्रेम में संपूर्ण शरीर द्रवीभूत होकर के वो जो पत्थर को अंदर में केवल एक ही पत्थर है, राम का भी चरण चिन्ह कामद गिरी में दिखता है, वृंदावन में कृष्ण का भी चरण चिन्ह है, अलग अलग जगह पर कृष्ण की चरण चिन्ह है, लेकिन श्रीमन महाप्रभु का जो संपूर्ण शरीर है हाँ, जो चिन्ह है ये पृथ्वी में कहीं नहीं, केवल एक जगह पर देखने पर महाप्रभु का संपूर्ण शरीर का चिन्ह केवल यही पर दर्शन करने को मिलता है। इसलिए हमारे श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं ना, पशु पाखे छोरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा, पशु पाखे छोरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा, करके पशु पक्षी भी झूम उठते हैं और पाषाण भी द्रवीभूत हो जाता है, पाषाण भी द्रवीभूत हो जाता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु यहीं पर आकर के 15 दिन तक महाप्रभु यहीं पर रहते थे और वो ब्रज प्रेम को वहां पर महाप्रभु आस्वादन यहीं पर करते थे। और यहीं पर आप लोगों ने श्रवण किया महाप्रभु चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है महाप्रभु कब कब यहाँ पर आए, जब महाप्रभु दक्षिणी यात्रा कर रहे थे इधर होते हुए महाप्रभु दक्षिणी यात्रा किया, जब महाप्रभु यहीं पर आए पूरा महाप्रभु 24 साल उम्र में सन्यास ग्रहण किया। कृष्ण कितने सुंदर है, कितने कृष्ण सुंदर है, इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण का ताना मारती है, नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कटे जाती करोड़ों की, अच्छा हुआ तेरे को भगवान ने लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, अगर तू लाला होता है ना लाली होती विश्व ब्रह्मांड तेरे को पाने के लिए भर जाते, इतने सुंदर कृष्ण। लेकिन राधा रानी कैसे, उनको रूप को भी मात करने वाली श्री राधा रानी का रूप है, इसलिए जब दोनों मिल जाए बताओ कितने सुंदर नहीं होंगे। इसलिए महाप्रभु 26 साल उम्र में सन्यास ग्रहण किया, क्या उनको दिव्य सुंदर है, आजान लंबित भुजो कनका बता दो संकीर्तन पितरो कमलायताक्षो विश्व भरो दिजवरो जुग धर्म पालो बंदे जगत प्रिय करो करुणा बताओ, क्या महाप्रभु का सुंदर, जब महाप्रभु दोनों हाथ उठा करके बोले निताई गौर प्रेमानंदे, इसलिए महाप्रभु जब यही पर महाप्रभु जब यही पर आए तब उनने सारे यहाँ के लोग इकट्ठे हो गए महाप्रभु को देखने के लिए, इतने भीड़ आ गई, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को उसी मंदिर में छुपा दिया, इतने भीड़ आ गई यहाँ पर। उसके बाद में लेकिन सब लोग महाप्रभु का प्रेम में सारे गांव के लोग उमड़ पड़े, फिर किसी तरह से महाप्रभु को निकाल कर दर्शन किया, इसलिए यही पर महाप्रभु आए थे।
और जब छोटा दास महाराज बता रहे थे दर्शन की बात आई महाप्रभु बोले महाप्रभु प्रार्थना किया भक्तों ने प्रभु प्रसिद्ध मान जाओ छोटा हरिदास ठाकुर आपकी सेवा लिए गए थे और किसी काम के लिए गए नहीं इसलिए आप उसको मान जाओ। महाप्रभु इतने कठोर बन गए इतने कठोर बन गए मैं नहीं उसका मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। लास्ट में उन्होंने शरीर त्याग किया उन्होंने शरीर त्याग किया और महाप्रभु सुनकर खुश हुए बोले अच्छा हुआ है सुकर्म फल भी कुमार जीव अपना कर्म का फल भोग करते मतलब भविष्य के लिए जो भजन करने के लिए आए जो ब्रह्मचारी सन्यासी है उनको कैसे कठोरता उपलब्ध करनी चाहिए इसलिए महाप्रभु शिक्षा देने के लिए वो तो उनका नित्य सिद्ध परिकर है उनकी कोई दोष नहीं था नित्य सिद्ध परिकर है लेकिन बाहर उनका कीर्तन भी महाप्रभु सुने लेकिन केवल साधकों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने महाप्रभु इतने स्त्रीग बने इसलिए संसार करो शादी करके पत्नी को साथ संसार करो शादी करके पत्नी को साथ ऐसे नहीं बगर शादी के बॉयफ्रेंड बना तो कहते ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना ये अच्छी बात नहीं इसमें कली की स्थान है कली निवास करता है वहां पर इसलिए कली का स्थान वहां पर है इसलिए महाप्रभु उस समय पहले मैं अलरना से जा रहा हूँ या नहीं होगा मैं अलरना से जा रहा हूँ इसलिए अब यहाँ पर देखो अभी महाराज जी बता रहे थे अच्छी बात वो जो ठाकुर जी है ना हम कहते हैं ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं बोले द्रौपदी जैसे तो कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं ब्रज गोपियां जैसे तो नचाते नहीं कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं मैया जसोदा जैसे कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं भगवान सब कुछ करते हैं इसलिए कहते विग्रह साक्षात ब्रजेंद्र उनको विग्रह को साधारण मत मानो अरे ये तो खाते नहीं सोते नहीं चलते नहीं ऐसे नहीं इसलिए अभी महाराज कथा कर रहे थे ना किसी भक्त ने भगवान को खीर भोग लगाया लेकिन यहाँ पर भी शिक्षा दिया जैसे कोई चीज गरीबी गरीबी एक बताया आत्मबद्ध सेवा करो आत्मबद्ध मतलब जैसे तुमको प्यारा है गर्मी का समय ठंडा ठंडा का समय गर्मी चीजें अच्छी लगती है जैसे वस्त्र पहनते हो भगवान उसी तरह ऐसे ने उठाया पूरा गर्मी गर्मी रख दिया इसलिए किसी भक्त ने पूरा खीर बनाया और ठाकुर को सीधा ठाकुर को सामने रख दिया इतने में ठाकुर जी हाथ डुबा डुबा के हाथ पड़ गया खोखला लेकिन उसी खीर को जो मुंह में डाले देखना यहाँ पर खीर गिरा यहाँ भी खोखला पड़ गया फिर वो खीर गिरा फिर छाती के ऊपर पर छाती में खोखला पड़ गया अभी आप लोग अंदर में जाओगे ना देखोगे तीन जगह में अभी भी ठाकुर जी की खोखला पड़ा हुआ है अभी भी है इसलिए ठाकुर जी साक्षात है ठाकुर जी को साधारण नहीं समझने चाहिए ये शिक्षा स्मृति आए और महाराज जी बता रहे थे कैसे कि ब्राह्मण का बच्चे ने कैसे उन्होंने बाहर गए बोले बच्चा तुम ठाकुर जी को भोग लगा लेना जो मंत्र मंत्र को नहीं जानता सर्वसिद्धा बच्चा उन्हें ठाकुर जी को भोग लगाया लेकिन ठाकुर जी खाना ही नहीं खा रहे बोले पिताजी बोल करेंगे ठाकुर को ठीक से खिलाना अगर नहीं खाओगे तो पिताजी नाम लग ठाकुर जी आओ और बैठ कर खाना खा लो भगवान उसकी प्रेम में इतने वसीभूत हो गए उनकी सरलता को देख कर वो इतने वसीभूत हो गए ठाकुर जी खाना खाए ठाकुर जी खाना ठाकुर स्वयं खाए महाराज पिताजी जब पता चला पिताजी को और पिताजी जब देखा जब ठाकुर संतुष्ट हो गए बोले तेरे बच्चे के हैं प्रीति से प्रेम से मैं संतुष्ट होकर ग्रहण कर रहा हूँ वर मांगो लेकिन वो बुद्धि खराब है इसलिए उपनिषद कहता है भगवान को अर्पण करके भगवान प्रसाद रूप में जो चीज हमें दे उसको ग्रहण करनी चाहिए लेकिन जब ठाकुर जी बोले वर मांगो बोले अगर आप ये सब खा लोगे हम क्या खाएंगे देखो कैसे बरल बुद्धि अगर आप ही खा लोगे सब कुछ हम क्या खाएंगे ठाकुर जी हम तो भूखे मर जाएंगे ठाकुर जी को तो बड़ा क्रोध आया बोले नियम है देखो भगवान को प्रसाद देने से प्रसाद बढ़ता है प्रसाद घटती नहीं भगवान देखा फिर मेरी प्रसाद से जीव का निर्वाह करने का लीजिए इसका बुद्धि इतना प्रश्न देखो कहते अगर आप खा लोगे तो मेरा कमी हो जाएगा भगवान सुदामा साहब दो बटे चिड़वा खाए त्रिभुवन का राज्य दे दिया भगवान ने है इसलिए भगवान को देने से बढ़ती है इसका बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए उन्होंने अभिशाप दे दिया बोले अभिशाप देता हूँ उसी समय में यहाँ पर 1200 परिवार थे 1200 परिवार थे
जो कि ठाकुर जी को सेवा करते थे, उनने अभिशाप दे दिया तुम्हारे जितने वंश में सबके सब नष्ट हो जाएगी, हैं, केवल एक तुम्हारी बच्चा ही जिंदा रहेगा। धीरे 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 1200 परिवार समाप्त हो गया, केवल एक बच्चा उनने बच्चा जो उसने जिसका हाथ में भोग खाए ठाकुर जी उसको अपना चरण में स्थान दिया। फिर जगन्नाथ जी को उन्होंने स्वप्न दिया राजा को ठाकुर ने, फिर उसने दो परिवार वहां से भेजे, फिर ठाकुर को एक भोग लगाने का और एक उनकी पूजा सेवा करने का, दो परिवार से इतना परिवार बढ़े। हाँ, यहाँ पर मंदिर में देखो जैसे हमारे वेस्टर्न टेवटी फिर वो अंदर में प्रवेश करते नहीं देते, बाहर से दर्शन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ठाकुर जी है, ये जो आलारनाथ का जो प्रतिमा विग्रह है इसे मंदिर में रखा हुआ है आलारनाथ की, इसलिए ये ठाकुर जी किसी ब्राह्मण घर में ठाकुर जी रहते थे, लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर आए तब ये आलारनाथ जी उन्होंने स्वप्न दिया प्रभुपाद को, स्वप्न दिया और वो ब्राह्मण को स्वप्न दिया, देखो यहाँ पर मेरे एक प्रिय परिकर पार्षद भक्त है, मेरे को लेकर के तुम उसी को दे दो, उसी मंदिर में रख दो, हाँ मेरे को लेकर के। इसलिए अभी जैसे ठीक आलारनाथ जैसे ठीक वैसे ही ठाकुर उनको जो एक तो उनको जो ठाकुर बैठे हुए और एक विजय विग्रह होता है ना जिसे ठाकुर को लेकर के विजय मतलब परिक्रमा में जाते हैं जिस ठाकुर को लेकर के, इसलिए उनका प्रतिमा विग्रह अभी इसी मंदिर में दर्शन है। अगर इसी ठाकुर को दर्शन करने से आपको जो अंदर का जो ठाकुर है उसका दर्शन करने का मन हो जाता है, इसलिए जो हमारे विदेशी भक्त लोग हैं आप लोग आप इसी ठाकुर जी का बोलेंगे वो ठाकुर को निकाल करके दिखा देंगे, जो कि ठाकुर जी को यही दर्शन कर लेना, इनको दर्शन करने से अंदर का ठाकुर दर्शन का फल आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर भगवान की बड़ी अच्छी अच्छी लीला हुई महाराज, तो बहुत विस्तृत रूप में आप कथा सुनाए, अभी महाराज जी को साथ में जाओ जाकर के मंदिर में ठाकुर को दर्शन करके आओ, फिर यहाँ प्रसाद पाएंगे, फिर आप लोग बैठे हो जाएंगे, ठीक है। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि, बोले श्री आलारनाथ की, बोले श्री अलबरनाथ की।